हम आज यूवी इंडिया न्यूज़ की तरफ से उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में ग्रेटर नोएडा में उपस्थित है, जहां पर कि श्रम विभाग ने अपना स्टॉल यहां पर लगाया हुआ है और श्रम विभाग से संबंधित सभी बॉयलर का विभाग हो, कारखाना विभाग हो और श्रम विभाग में जो भी सुविधाएं श्रमिकों को दी जाती है और भी अन्य जो इनके नियम है सारे चीज़ यहाँ पर दर्शाई गई हैं। और हमारे साथ में हैं आज नोएडा के अपर श्रम आयुक्त श्री सरजूराम जी, और वे अटल आवासीय योजना के बारे में आपको काफ़ी कुछ बताएंगे कि अटल आवासीय योजना है क्या और उसके अंतर्गत कैसे काम किया जाता है, आप बताइए। नमस्कार, मैं सरजूराम शर्मा, अपर श्रम आयुक्त अटल आवासीय विद्यालय। ये उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें 18 मंडलों में 18 अटल आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इसमें 16 विद्यालय बन चुके हैं और मुरादाबाद और बरेली का विद्यालय अभी थोड़ी कंस्ट्रक्शन बाकी है, इसलिए मुरादाबाद के बच्चे बुलंदशहर में आए हैं और बरेली के बच्चे इस समय जो है वो लखनऊ में अध्ययन कर रहे हैं। इस प्रकार से 18 मंडलों में 18 अटल आवासीय विद्यालय संचालित है। इसमें जो निर्माण श्रमिक हैं जिनका BOCW एक्ट में पंजीयन हुआ है, इन निर्माण श्रमिकों के बच्चों को कक्षा 6 से कक्षा 12 की शिक्षा दी जाती है, पूरी तरह से फ्री शिक्षा है, रेजिडेंशियल शिक्षा है, कोई फीस नहीं देनी है उनको, निःशुल्क आवास, निःशुल्क भोजन, निःशुल्क खाने पीने की चीज़ें, नाश्ता, पढ़ाई संबंधी कापी किताबें, खेल कूद की सामग्री, कंप्यूटर, लाइब्रेरी, सारा कुछ फ्री है। रोज़मर्रा की चीज़ें, टूथब्रश, मंजन, कपड़े लत्ते, सब कुछ फ्री है। किसी भी बच्चे को घर से कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ता है और माँ बाप जो निर्माण कार्य की मजदूरी करते हैं वो निश्चिंत होकर के अपना काम कर सकते हैं, कहीं भी काम कर सकते हैं। बच्चे को अपने छोड़ दें अटल आवासीय विद्यालय पढ़ने के लिए, वो पढ़ करके जब निकलेगा तो बहुत ही बहुमुखी प्रतिभावान बच्चा निकलेगा, बहुत ही निखार उसमें आएगा। कोई IAS बनेगा, कोई IPS बनेगा, कोई विदेश सेवा में जाएगा, कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज बनेगा। इस तरह से अटल आवासीय विद्यालय के बच्चों का फ्यूचर, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही उज्जवल भविष्य है। सर, आपने अटल आवासीय विद्यालय के बारे में बताया और हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर जो ये स्टॉल लगा हुआ है UP श्रम विभाग की वजह से, तो वो लोग आपने इस स्टॉल के माध्यम से क्या चीज़ आप प्रदर्शित करना चाहते हैं, क्या चीज़ आप दर्शाना चाहते हैं, इसमें क्या चीज़ यहाँ पे दर्शाई गई है, वो सारी चीज़ें आप प्लीज़ बताइए। सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में आपका स्वागत और अभिनंदन है और मैं बहुत ही उत्तर प्रदेश सरकार का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में श्रम विभाग को अवसर दिया है अपनी योजनाएं प्रदर्शित करने का। आपको मालूम ही है कि यहाँ पर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उद्यमीगण अपना ट्रेड एक्सपोर्ट और ट्रेड बढ़ाने के लिए अपने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं, उसमें श्रम विभाग को एक स्थान दे करके उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है, उसके लिए शुक्रगुजार है, धन्यवाद है। क्योंकि उत्पादन कार्य में दो ही मुख्य घटक होते हैं, पूंजी और श्रम, तो पूंजी को डिपिक्ट करते हैं सारे स्टॉल, लेकिन श्रम को भी महासरकार ने श्रम को महत्व दिया है और श्रम का स्टॉल लगाने का जो कार्य किया है ये बहुत ही सराहनीय है। इस श्रम विभाग में हमने जितने भी श्रम विभाग संबंधित आस्पेक्ट हैं उनको सबको कवर करने का प्रयास किया है। श्रम विभाग के मुख्यतः 4 कार्य हैं, एक तो श्रमिक और सेवाजकों के मध्य समन्वय स्थापित करना, दूसरा श्रमिकों को श्रम कानूनों में अनुमन्य हित लाभ दिलाना, तीसरा श्रमिकों की सुरक्षा एवं संरक्षा के उपाय करना और चौथा श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा का कार्य करना। तो श्रम विभाग श्रमिकों को और सेवाजकों के मध्य एक पुल का काम करता है और ये समन्वय स्थापित करता है कि दोनों लोग समन्वय स्थापित करते हुए श्रमिक के सेवावजक पक्ष दोनों मिलकर के प्रदेश का और देश का उन्नति में योगदान करने में अपना योगदान करें, इसके लिए लगातार श्रम विभाग कार्य कर रहा है। इसके साथ ही श्रम कानूनों में अनुमन्य सुविधाओं के लिए हमने
इसमें होर्डिंग लगाए हैं जिसमें श्रमिकों को न्यूनतम वेतन या अन्य सुविधाएँ क्या क्या मिलती हैं वो हम प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके अलावा जो निर्माण श्रमिक हैं उनके लिए भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के द्वारा क्या क्या योजनाएं चलाई गई हैं उनका हम प्रदर्शन कर रहे हैं कि मातृत्व हित लाभ योजना जिसमें हम 3 माह की वेतन देते हैं और 6,000 रुपया देते हैं। शिशु हित लाभ योजना जिसमें हम बच्ची होने पर 25,000 रुपये देते हैं, लड़का होने पर 20,000 रुपये देते हैं। इसी तरह से अन्य योजनाएँ जो संचालित की गई हैं मृत्यु से संबंधित हैं, पुत्री विवाह से संबंधित हैं, उसकी शिक्षा से संबंधित हैं, संत रविदास शिक्षा सहायता योजना, ये सब हमने प्रदर्शित कर रखी हैं। असंगठित क्षेत्र के संतों के लिए ई श्रम योजना है, ई श्रम के साथ साथ में प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना है जिसमें 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन का प्रावधान किया गया है। लघु व्यापारियों के लिए NPS ट्रेडर्स की योजना है वो हम प्रदर्शित कर रहे हैं। इस तरह से हम इसमें सारे स्टॉल पर सारे होर्डिंग्स लगाए हैं, पंपलेट्स बांट रहे हैं। इसके साथ साथ में श्रमिकों की सुरक्षा के उपाय, संरक्षा के उपाय सारे हम बताने जा रहे हैं। जिससे के संबंध में डिप्टी डायरेक्टर बॉयलर्स, डिप्टी डायरेक्टर फैक्ट्रीज वो सब बताएंगे। इसके अलावा बाल श्रम अपराध है, बाल श्रम नहीं कराना चाहिए, बंधुआ श्रम नहीं कराना चाहिए। बाल श्रम के लिए क्या क्या योजनाएँ सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं इसका हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं।